मुदिता एंड यू आर वॉचिंग मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास 9 की इंग्लिश की वर्कशीट 20 है जो आपको 24th ऑफ अगस्त को प्रोवाइड की जाएगी। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं आपकी बुक का। थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट दिया है आपकी बुक की चैप्टर का। बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द साउंड ऑफ म्यूजिक उस्ताद बिस्मिल्ला खां। उस्ताद बिस्मिल्ला खां को कौन नहीं जानता, ठीक है, शहनाई वादक। तो इनके बारे में ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, ये पूरा चैप्टर है आपकी बुक में। तो वहाँ से कुछ लाइंस दे रखी हैं, तो आपने अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके इस चैप्टर को रीड करें, तब आपको ये लाइंस समझ में आएंगी। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहले से एक्सट्रैक्ट को पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लाइंस मेंशन की हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरीके से आपके बुक में जो सिलेबस है वहाँ से कुछ लाइंस उठा के दे दी जाएंगी और उसी के बेस पे आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द साउंड ऑफ सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर ऑस्पीशियस। जो साउंड होती है सहनाई की वो कैसी मानी जाती थी, ऑस्पीशियस मानी जाती थी, ठीक है, शुभ मानी जाती थी। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड इज इन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट बाय नॉर्थ इंडियन वेडिंग। सो इसे टेम्पल्स में भी प्ले किया जाता था और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में भी। इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एग्जाम्पल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। सो जो सहनाई था एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट था, फाउंड रॉयल कोर्ट्स। रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग। सो पहले इसे रॉयल कोर्ट्स में जो राजघराने होते थे वहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता था, प्ले किया जाता था, लेकिन इट वॉज यूज ओनली इन उसके बाद किस में, केवल टेम्पल्स में और वेडिंग में इसका यूज़ किया जाने लगा, मतलब शादियों में और मंदिरों में। द क्रेडिट फ्रॉ ब्रिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल गोज टू बिस्मिल्ला खां। तो इस इंस्ट्रूमेंट को जिसे लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, इसे एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, एक क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में जिसका योगदान है, उनका नाम है उस्ताद बिस्मिल्ला खां। ओके, इन्होंने सहनाई के लिए जो लोगों की थॉट और थिंकिंग थी वो ही चेंज कर दिया। सो उस्ताद बिस्मिल्ला खां का नाम जाना जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्ला खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पोंड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ, जब वो 5 year के थे, 5 साल के थे, तो वो गुल्ली डंडा खेला करते थे। इट्स अ गेम, इंडियन गेम, ठीक है, प्ले किया करते थे बिहार में। वुड रेगुलरली गो द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी भोजपुरी। तो यहाँ पे जो टेम्पल था कहाँ पे, बिहार में, यहाँ पे एक भोजपुरी चेता होती है, उसको प्ले करने के लिए, उसको सिंग करने के लिए वहाँ पे ये जाया करते थे। एट द एंड ऑफ वॉच ही वुड बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। सो उनको प्राइज में क्या मिलता है, 1.25 kg प्राइज का लड्डू मिलता है। दिस हैपन 80 year old अगो एंड लिटिल बॉय ट्रेवल फॉर टू अर्न हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया द भरत रत्न। इसके बाद ये बचपन में उनका अवार्ड है, जब 1.25 kg का उन्हें लड्डू मिलता है, और ये आफ्टर 80, जब वो अपनी एज में 80 year ऐड कर लेते हैं 5 year के बाद। सो उनको एक बहुत बड़ा प्राइज इंडिया से मिलता है, वो क्या है, भारत रत्न। भारत रत्न बहुत ही कम लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को मिलता है, ठीक है। तो वो उन्हें भारत रत्न से प्राइज से उनको संबोधित किया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको वो पिक करना है। फर्स्ट है पिक द ऑड वन आउट ऑफ द रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ ऑस्पीशियस। यहाँ पे बोल रहा है पिक द ऑड, जो यहाँ पे एक ऑड वर्ड है, जैसे कि हमने बचपन में आपने इस तरह के क्वेश्चंस कर रखे होंगे, जैसे कि आपको फ्रूट्स दे दिया कि एप्पल, बनाना, मैंगो, और बीच में मैंने लिख दिया कैरेट, तो हम बोलते हैं ना ऑड वन फाइंड करिए, तो ये सारे फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल है, तो आप इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बोला है ऑड वन आपको फाइंड करना है, रेफरेंस मीनिंग ऑफ ऑस्पीशियस, ऑस्पीशियस के मीनिंग के रेफरेंस में इसमें से ऑड फाइंड करना है। सो सबसे पहले आपको ऑस्पीशियस का मीनिंग पता होना चाहिए। ऑस्पीशियस का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है शुभ, ठीक है, यानी कि मंगल काम, शुभ काम। तो देखिए इससे जो अगेंस्ट वर्ड है वो आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट दिया है प्रॉमिसिंग, तो ये इससे
अगेंस्ट नहीं है, अपोजिट नहीं है, ठीक है, ऑड नहीं है। इसके बाद लकी, ये भी नहीं है। इसके बाद अगर हम ब्राइट देखें तो थर्ड, ये भी नहीं है। अगर हम फोर्थ देखें ओमिनस, तो ओमिनस इसका जो है वो एक ऑड वन है। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं लकी, प्रॉमिसिंग, ब्राइट और ओमिनस, सो ओमिनस जो है ये इसका एक ऑड वन है। ओमिनस का मीनिंग होता है अमंगल, ठीक है, अमंगल या अशुभ, अमंगल या अशुभ। और ऑस्पीसियस का मतलब क्या होता है, शुभ होता है। तो यहाँ पे ऑड वन हमारा क्या हो जाएगा, ओमिनस हो जाएगा। दैट मीन यहाँ पे ये देखिए, ये आपका फर्स्ट है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फोर्थ वन इज़ योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फोर्थ वन ऑप्शन आपको कहाँ दे रखा है, आपको ए में दे रखा है फर्स्ट, इसके बाद सेकंड, यहाँ पे आपको थर्ड दे रखा है, और डी में आपको फोर्थ दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी हो जाएगा, क्योंकि डी में हमारा है ना ओमिनस, इसका मतलब होता है अमंगल। तो यहाँ पे ऑड वन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी कि डी फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में बोल रहा है सहनाई इज एन इंडिसपिसेबल कंपोनेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन वेडिंग, इट इम्प्लाइज दैट। यहाँ पे बोल रहा है कि सहनाई एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है नॉर्थ वेडिंग में। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट, इट इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है, द ओकेजन इज इनकम्प्लीट विदाउट द म्यूजिक ऑफ सहनाई। बिना सहनाई के म्यूजिक के वेडिंग इनकम्प्लीट रहती है। द पिक्चर ऑफ सहनाई आर डिस्प्लेड ऑन द वेन्यू, वेन्यू पे सहनाई की पिक्चर दिखाई जाती है। इट इज़ गिफ्टेड एज अ काइंड ऑफ गेस्चर फॉर गेस्ट अटेंडिंग फंक्शन, जो गेस्ट आते हैं अटेंड करने फंक्शन, उनको दिया जाता है। द स्टोरी ऑफ इट्स ओरिजिन इज संग एंड शेयर्ड बाय पीपल। सो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कोई भी शादी इनकम्प्लीट होती है, नॉर्थ इंडियन वेडिंग का पार्ट होता है सहनाई। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो फर्स्ट के लिए आपका, सेकेंड के लिए आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट के लिए हमारा डी था, सेकेंड के लिए ए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट टू द कॉन्टेक्स्ट इन विच वर्ड इनसेम्बल। ओके, तो यहाँ पे जो आपका एक्सट्रैक्ट में वर्ड यूज किया गया है इनसेम्बल, ये कौन से मीनिंग के लिए क्लोज है। तो फर्स्ट बोल रहा है द ऑप्शन विच क्लोजेस्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वर्ड इंक्लूजन ऑफ बैंगल्स इन द इनसेम्बल कम्प्लीमेंट्री हर क्लासिकल लुक, ठीक है। सेकेंड में बोल रहे द परफॉर्मेंस ऑफ तारा इसम्बल डांसर्स वॉज म्यूजिकल, द न्यू कपल वॉन्टेड टू गेट स्टेशनरी इसम्बल डन बाय अ डायमंड इनिशिएटिव कंपनी, द चिल्ड्रंस चोर एंड द इंस्ट्रूमेंट इनसेम्बल वर appreciate by one and all the children and chore। so यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि कौन सा word closest है। so ये जो word यहाँ पे use किया गया है ensemble, इसका मतलब होता है कि जो performer हैं उनका group of performers। okay, so यहाँ पे क्या बोल रहा है, group of performers इस word है। तो ये कहाँ पे कौन सा इसके लिए सही होगा, तो इसके लिए है the children's, के लिए हमारा ऑप्शन फोर्थ। दैट मीन यहाँ पे अगर ऑप्शन फोर्थ है तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, डी में। सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। फोर्थ में बोल रहा है गिवन चूज द, यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसमें से कुछ क्वालिटीज दी हैं वो उस्ताद बिस्मिल्ला खां के लिए हैं। सो यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खां की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं। यहाँ पंचुअल, तो हाँ वो बहुत ज़्यादा पंचुअल थे। ग्रीडी, सो नहीं, ग्रीडी नहीं। मोटिवेटेड, यस। इसके बाद हार्ड वर्किंग, यस। एंड इसके अलावा आइडल बोला हुआ है। सो यहाँ पे आपको देखना है जो आपके मेन, जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए हैं, वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा एंड फोर्थ हो जाएगा। सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए यहाँ पे आपका सेकंड आ गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों कहाँ पे आ रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सी में आ रहे हैं। तो सी आपका हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सी आपका हो जाएगा आंसर। ओके, सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। इसके बाद बोला है चूज द कोटेशन दैट गोज विल विद द गिवन एक्सट्रैक्ट। ये जो हमें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, स्टेंजा दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कोट्स दे रखे हैं, इन कोट्स को पढ़िए और सही ऑप्शन चुनिए। तो पहला कोट दे रखा है, देयर आर नो शॉर्टकट टू एनी प्लेस वॉल्ट गोइंग विवाद सेल्स। इसके बाद सेकेंड में दे रखा है, वी मस्ट बिकम द चेंज वी वॉन्ट टू सी
महात्मा गांधी, हम बदलाव देखना चाहते तो उन्हें ऑलवेज डू योर बेस्ट, वट यू प्लान नाउ यू विल हैव लेटर. ओके, इसके बाद फोर दे रखा है, वर्क इज हार्ड, वर्क इज हार्ड, डिस्ट्रैक्शन आर प्लेनफुल एंड टाइम इज वर्क. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ कोटेशंस दे रखे हैं और आपसे यहाँ पे बोल रहा है चूज द कोटेशन दैट गोज विल द गिवन एक्सट्रैक्ट. इस एक्सट्रैक्ट से जो कोटेशन है वो कौन सा होगा. सो यहाँ पे देखिए, ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर. जो भी आप कर रहे हैं अभी आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है, और जो भी आप करेंगे उसी का आपको आगे रिजल्ट मिलेगा. सो यहाँ पे आपको कौन सा करेक्ट बैठता है, तो अभी आप अपना बेस्ट दीजिए, यानी कि जो आपका सी है, थर्ड वन है, वो करेक्ट बैठता है. ठीक है, फोर्थ अगर हम देखेंगे, वर्क इज़ हार्ड, डिस्ट्रैक्शन आर प्लेंटीफुल एंड टाइम इन इज शॉर्ट. यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है. वी मस्ट बिकम द चेंज वॉन्ट टू सी, हम अगर चेंज देखना चाहते हैं. देयर आर शॉर्टकट, यहाँ पे शॉर्टकट बोल रहा है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता. तो यहाँ इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसके लिए हमारा सी होगा. ठीक है, तो सी इसका आपका आंसर हो जाएगा. एक बार हम आंसर्स को रिकॉल कर लेते हैं कि आपके क्या क्या ऑप्शंस होने वाले हैं. आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका आपका ऑप्शन डी. ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं जिससे आप रिवाइज करके सही से लगा सकें. फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी था. ठीक है, जो अलग सा हमें वर्ड फाइंड करना था. इसके बाद सेकेंड वाले में हमारा ए था. थर्ड क्वेश्चन में हमारा डी ऑप्शन. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में हमारा सी एंड फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमारा ऑप्शन सी है. सो ये थी आपकी वर्कशीट. आई होप आपको समझ में आ गई हो. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें.